फ्री में सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल करिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस में। सैमसंग ने हाल ही में रोल आउट कर दिया है एंड्रॉयड 10 का अपडेट सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस के डिवाइस के लिए। तो कैसा है इसका फीचर, क्या है इसमें फोन में नयापन आता है और कैसा इम्प्रूवमेंट है, इस वीडियो में हम वही देखेंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोज। और आज की इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बारे में जो आ गया है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस में। कैसा इसका लुक, कैसे इसके फीचर, कैसा इसका परफॉर्मेंस और क्या नया हुआ है पहले एंड्रॉयड 5 से। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस जिसमें आ चुका है एंड्रॉयड 10 का अपडेट। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी ईस्टर एग स्क्रीन में। तो यहां पे हम गए सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में और यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है वन UI वर्जन 2.0। अगर एंड्रॉयड कि ईस्टर एग वाली स्क्रीन पे जाना है तो आप इसको टैप करिए 3 से 4 बार और आप चले जाओगे। तो ये हमारा बेसिकली एंड्रॉयड 10 का जो ईस्टर एग स्क्रीन है वो। और यहाँ पे आपको मिलता है बेसिकली एंड्रॉयड क्यू। आप अगर एंड्रॉयड पे अगर क्लिक करते हो तो आप इसका भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो खेलने में बड़ा मजा आता है एंड्रॉयड। आई थिंक जो नॉगट था उसके बाद जो है यहाँ पे हमको कुछ खेलने के लिए देखने को मिल जाता है, बिकॉज एंड्रॉयड नॉगट से कोई भी इस टाइप की जो ईस्टर एग की स्क्रीन है वो आई नहीं है। वन UI वर्जन हमको मिलता है 2.0। अगर हम बात करें कुछ इसमें जो चीज़ नई है वो क्या पता करना है अगर हमको, तो यहाँ पे हमको जाना है टिप्स और यूज़र मैनुअल में और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है व्हाट्स न्यू का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे जो वन हैंडेड ऑपरेशन है अब आप जेस्चर से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग गए गो टू सेटिंग्स और उसके बाद वन हैंडेड मोड में गए। यहाँ पे आपने क्या किया, जेस्चर कर दिया लाइक दिस एंड यू कैन डू वन हैंडेड ऑपरेशन। तो आप यहाँ से किसको खिसका सकते हो और सेटिंग में जा करके आप वन हैंडेड मोड हटा सकते हो। तो ये हो गया पहला जो है व्हाट्स न्यू में। आप गए वहां पे आपको वन हैंडेड ऑपरेशन आप जेस्चर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप अपने कैलेंडर पे अपना मूड वगैरह शो कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर ली जैसे ये वाली, तो जिस तरीके से आपने अपना स्टिकर लगा दिया तो आप अपना मूड दिखा सकते हो। अगर नेक्स्ट चीज की बात करें हम तो आपको यहाँ पे इस बार Android 10 अपडेट में जो बेसिकली Samsung Galaxy S9 और S9 Plus की बात कर रहा हूँ, पिछले बार आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था जो है बेसिकली डिजिटल वेलबींग का, जहाँ पे आप अपना जो यूसेज है वो देख सकते हो और आप अपनी चीज़ें सेट कर सकते हो, गोल्स वगैरह। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऐप टाइमर भी देखने को मिल जाता है, आप अपने ऐप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। फोकस मोड आपको मिलता है जहाँ पे आप कुछ भी, मतलब जैसे आपको जो ऐप्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने काम के टाइम पे आप उनको इनेबल कर सकते हो या और डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे मैंने फोकस मोड बना के रखा है माय डिस्ट्रैक्शन, तो जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो सारे एप्लीकेशन जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, थोड़े ही एप्लीकेशन बचते हैं। तो आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप एंड फोकस मोड कर सकते हो। अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे भी आपको फोकस मोड का ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से भी आप फोकस मोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको विंड डाउन मिलता है जिससे आप कुछ टाइम के लिए अपने फोन से ब्रेक ले सकते हो। पैरेंटल कंट्रोल मिलता है जिससे आप
अपने बच्चों से फोन में कुछ चीजें कंट्रोल में रख सकते हो, तो ये आपको नई चीज मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डायनामिक लॉक स्क्रीन, यहाँ पे आप सेटिंग में जाइए, कोई भी एक लॉक स्क्रीन आप डाउनलोड करिए और उसके बाद आप अपनी लॉक स्क्रीन चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन मिलता है कॉलर स्क्रीन का, तो वो भी आप छोटा बड़ा खिसका सकते हो इस वाले ऑप्शन में। यानी कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप यूज कर रहे हो फोन और किसी का फोन आया तो फुल स्क्रीन में भी कॉल आ सकती है, या तो थोड़े बड़े पॉपअप में आ सकती है, या मिनी पॉपअप जिसको आप यहाँ से खिसका सकते हो। साथ में अगर आप फोन उठा लेते हो उसके बाद भी अगर आपको ऑप्शन रखना है कि वो पॉपअप में ही आए, तो आप ये भी ऑप्शन कर सकते हो इनेबल। नेक्स्ट चीज है आप अपना पेन का साइज वगैरह सेव, मतलब जो आपको चाहिए पेन का साइज वो आप इस ऑप्शन, मतलब इस एंड्रॉयड 10 में कर सकते हो, वन यू आई 2 में भी। यहाँ पे आप कर्सर सिस्टम से अपना कीबोर्ड वगैरह चला सकते हो। इसके अलावा आप अपना जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डर में, तो आप वहाँ से आप पेन वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया, ये पहले एंड्रॉयड 9 में नहीं था। आपने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, नो साउंड, मीडिया साउंड, मीडिया साउंड एंड माइक। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी एंड देन आपने यहाँ से पेन का ऑप्शन सुनना चुना और आप अपना जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट चीज जो आपको मिलती है वो आप विंडोज से इसको लिंक कर सकते हो, अगर आपके पास विंडोज 10 या विंडोज 8 वाला सिस्टम है। साथ में आपको यहाँ पे अगर आप सैमसंग ब्राउजर में जाते हो इंटरनेट वाले में, तो आप अगर टैब क्लोज करते हो तो उसको रीओपन कर सकते हो। तो ये तो हो गई बेसिकली व्हाट्स न्यू में जाके हम वन यू आई 2 का कुछ देख सके। अब हम देखते हैं इसमें और क्या चेंजेस हुआ है। तो अब जब भी आप स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग मिलती है, जो कि एंड्रॉयड पाई के अपडेट के बाद नहीं आई थी। साथ में आपको मिलता है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर वाला ऑप्शन और फोकस मोड का ऑप्शन। डार्क मोड आपको इस बार बहुत अच्छा मिला है, जो कि प्योर ब्लैक आपको मिलता है अगर आप इसको इनेबल करते हो, तो कुछ इस तरीके का डार्क मोड हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर और कुछ नया इसमें दिखाया जाए तो आपको अगर वॉल्यूम रॉकर को अप डाउन करते हो तो आपको इस बार एक बार को स्लाइड करने का मिल रहा है। यानी कि पहले आप सिंपल सी क्या करते थे, इसी लाइन में स्लाइड करते थे इस एरो को, लेकिन अगर आपको ये अप डाउन करना है वॉल्यूम, तो आप इस बार में स्लाइड अप स्लाइड डाउन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जैसे यूट्यूब चलाते हो, तो इसके पहले जो अपडेट आया था एंड्रॉयड 9 में, जो मतलब एंड्रॉयड 9 का अपडेट आया था, उसमें जब आप यहाँ पे वॉल्यूम अप या डाउन करते थे तो ये स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन आपको ऑप्शन नहीं मिलता था टच स्क्रीन से, तो ये भी ऑप्शन इस बार आपको मिलने लगा है। इसके अलावा आपको इस बार जेस्चर से दाएं बाएं बंद करना क्लोज करना एप्लीकेशन, वो भी ऑप्शन है। आप यहाँ से जैसे मैंने तो होम बटन्स जो नेविगेशन कीज हैं वो सब मतलब क्लोज करके रखे हैं, अगर आपको यहाँ पे बटन वगैरह नेविगेशन बार में आप गए तो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स में जा करके अब आप कहीं से भी जैसे मतलब मान लीजिए आपने एप्लीकेशन खोला, तो इस बार आप कहीं से भी बीच से अप डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ से आपने खोला, यहाँ से आपने लेफ्ट से स्लाइड किया या राइट से स्लाइड किया, तो आपके एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। तो ये भी एक नया जेस्चर आया जो बेसिकली आईफोन से इंस्पायर्ड है। इसके बाद आते हैं कैमरा की तरफ, तो कैमरा में अब आपको कुछ इस तरीके का यूआई देखने को मिलता है, जहां से अभी भी आपको लाइव फोकस वीडियो देखने को नहीं मिलता, सीन एनहांसर मिलता है और जो बाकी सुपर स्लो मोशन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वो एक अलग से ऑप्शन में मिलता है, जो कि मोर ऑप्शन है। तो ये भी काफ़ी एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस है इस बार इस एंड्रॉयड 10 के अपडेट में। इसके अलावा और कुछ इसमें एज सच नया नहीं है। और एक नई चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास WhatsApp पे कोई लिंक मैसेज आती है YouTube, Facebook, तो जैसे ही आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करोगे तो आपको वो डायरेक्ट उस ऑप्शन में आप जा सकते हो। इसके अलावा आप वहाँ से ही उसका जवाब दे सकते हो। साथ में इस बार आपको
साउंड एम्पलीफायर, लाइव कैप्शन, बहुत सारे और ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो जब से इस डिवाइस में एंड्रॉयड 10 का अपडेट आया है, तब से ये डिवाइस काफ़ी स्मूथ चलने लगा है। इसके अलावा अगर हम अगले बात करें, तो यहाँ पे आपको इस बार कॉन्टैक्ट में भी आप इसको ट्रैश मोड पे या रिसाइकल बिन पे डाल सकते हो। 15 दिन तक वो कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में ही रहेगा और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर आप डिलीट करते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मूव टू रिसाइकल बिन। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है इस एंड्रॉयड 10 के बाद इस फ़ोन में आ गई है। इसके अलावा और कुछ इस फ़ोन में नया मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा ये वाली चीज़ अच्छी लगी इस बार मेरे को, बाकी कुछ इम्प्रूवमेंट्स और हुए हैं तो इतना ही मेरे को पता है, इतना ही मैंने अभी तक रिसर्च किया है, इतना ही मैंने पता किया है जो कि कल रोल आउट हुआ है। तो ये जो बेसिकली वीडियो है कंप्लीट एंड्रॉयड 10 अपडेट के बारे में है, जो कि बेसिकली S9 प्लस में हमको देखने को मिल गया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेके आऊंगा आपके लिए जल्द से जल्द और नई वीडियो। टाइम ट्रेवल की सीरीज चालू है हमारे इस चैनल पे, तो उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जिसके पास भी ये S9 प्लस है, उसको कैसे हेल्प मिल सकती है अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए आफ्टर एंड्रॉयड 10 अपडेट। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय।